हेलो एंड वेलकम बैक। मैं आईमनसा हॉस्पिटल से डॉक्टर श्वेता जैन, कैटरेक्ट एंड रिफ्रैक्टिव सर्जन। काफ़ी सारे लोग हमसे लासिक के बारे में कई तरह के सवाल करते हैं। आज हम लासिक सर्जरी से रिलेटेड उन्हीं सवाल और डाउट के बारे में फिर से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि लेज़र टेक्नोलॉजी 100% सेफ है या नहीं। देखिए, हमने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि टाइम के साथ टेक्नोलॉजी एडवांस हुई है और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पुरानी टेक्नोलॉजी से ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करती है। अगर सबसे सेफ टेक्नोलॉजी की बात करें तो हमारी स्मार्ट सॉफ्ट टेक्नोलॉजी आज की डेट की सबसे लेटेस्ट और सेफ टेक्नोलॉजी है। हम इस टेक्नोलॉजी को ऑलमोस्ट 100% सेफ मानते हैं। देखिए, आप अगर लासिक सर्जरी के कॉम्प्लिकेशन सर्च करेंगे तो उसमें अधिकतर कॉम्प्लिकेशन फ्लैप रिलेटेड होती हैं, जैसे इनकम्प्लीट फ्लैप बनना, फ्लैप पर डिसलोकेट होना या फ्लैप के बीच में होल हो जाना। स्मार्ट सॉफ्ट टेक्नोलॉजी से हम बिना फ्लैप की सर्जरी करते हैं और एकदम टचलेस, ब्लेडलेस, फ्लैपलेस सर्जरी करते हैं, इसलिए ये टेक्नोलॉजी सबसे सेफ है। सवाल नंबर दो, क्या लेजर से आपकी नजर को नुकसान हो सकता है? लेजर के बाद किसी को भी परमानेंट विजन लॉस नहीं हो सकता। वर्स्ट केस सिनेरियो में ये हो सकता है कि आपका आधा कॉर्ना नंबर रह जाए। ऐसी सिचुएशन में आपको 1 से 2 महीने इंतजार करना चाहिए और आँख को सेटल होने का टाइम देना चाहिए। उसके बाद हम लेजर पॉलिशिंग या लेजर एनहांसमेंट प्रोसीजर से इसे ठीक कर देते हैं, लेकिन लेजर से किसी भी इंसान को ब्लाइंडनेस नहीं हो सकती। सवाल नंबर 3, पुतली की मोटाई नॉर्मल से कम होने पर चश्मा हटाने के लिए कौन सा लेजर आपके लिए सही रहेगा? देखिए, नॉर्मल एवरेज कॉर्नियल थिकनेस 550 माइक्रोन होती है, जिसपे आपका कोई भी लेजर ट्रीटमेंट आराम से किया जा सकता है अगर आपका नंबर 8 से कम है। अगर आपकी कॉर्निया नॉर्मल से पतली है, यानी कि 500 माइक्रोन से कम है, तो ऐसी सिचुएशन में हम आपको सरफेस लेजर ट्रीटमेंट जैसे पीआरके या एडवांस लेजर ट्रीटमेंट जैसे स्ट्रीमलाइन ट्रांस पीआरके या स्मार्ट सर्फ रिकमेंड करते हैं। बट कई बार आपकी काली पुतली बहुत कमजोर हो सकती है। अगर ये काफी पतली है, जैसे कि अगर ये 450 माइक्रोन से भी कम है, तो आपका लेजर सर्जरी नहीं की जा सकती। ऐसे में हम आपको ICL सर्जरी रिकमेंड करते हैं। यह प्रोसीजर में हम आपकी आंख के अंदर एक आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं। यह प्रोसीजर भी लासिक की तरह बिल्कुल सेफ है और अगले दिन से ही आपको साफ दिखने लगता है। सवाल नंबर 4, क्या लेजर के बाद आंख में कोई निशान आता है या आंख में लेजर को डिटेक्ट किया जा सकता है? देखिए, अगर लासिक के बाद कोई भी आपके सामने बैठा है या आपकी आईज को टॉर्च से चेक करता है, तो उससे लासिक का नहीं पता चलता। बट जब डॉक्टर मशीन से आपकी आईज को चेक करते हैं, तो वो डिटेक्ट करा जा सकता है। लासिक 2 तरीके के होते हैं, एक है फ्लैप बेस्ड लासिक, दूसरे हैं फ्लैपलेस लासिक। जब ब्लेड से या लेजर की मदद से आपका फ्लैप बनाया जा सकता है, तब चांसेस होते हैं कि हल्का सा निशान छोड़ दे। यह निशान सिर्फ मशीन पे डिटेक्ट किया जा सकता है, टॉर्च से नहीं। लेकिन अगर आप ऐसा लासिक करवाना चाहते हैं जो मशीन से भी डिटेक्ट ना हो, तो आप फ्लैपलेस सर्जरीज ऑप्ट कर सकते हैं, जैसे कि पीआरके, ट्रांस पीआरके या स्मार्ट सर्फ। ये सर्जरीज मशीन पे भी डिटेक्ट नहीं की जा सकती। सवाल नंबर 5, क्या लेजर का आंखों में कोई साइड इफेक्ट होता है? यूजुअली लेजर का आंखों में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, लेकिन कभी कभार 1 से 2 दिन के लिए आपको आंखों में चौंध लगना, लालपन या पानी जैसी हल्की परेशानी महसूस हो सकती है। सर्जरी के बाद ये प्रॉब्लम्स 1 से 2 दिन में खुद ब खुद ठीक हो जाती है। लेकिन आंखों में ड्राइनेस एक ऐसी प्रॉब्लम है जो थोड़े लंबे समय के लिए चलती है। देखिए, हर लेजर सर्जरी के बाद थोड़ी ड्राइनेस होना नॉर्मल है और इसके लिए हम आपको लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स एडवाइस करते हैं। ये ड्रॉप्स आपको 1 से 2 महीने तक दिन में 4 बार डालनी होती है, जिसके बाद आंखों की ड्राइनेस ठीक हो जाती है, इसलिए लेजर का कोई साइड इफेक्ट परमानेंट नहीं होता। सवाल नंबर 6, क्या लेजर का इफेक्ट परमानेंट होता है और सर्जरी के बाद आपका नंबर फिर आ सकता है? जी हाँ, लेजर का इफेक्ट परमानेंट होता है और सर्जरी से आपका नंबर हमेशा के लिए हट जाता है। लेकिन उम्र से रिलेटेड चेंजेस आपकी आईज में एक नॉर्मल आई की तरह आएंगे। जब आप 45 से 50 इयर्स के हो जाते हैं, तो आपकी आंख में पास का नंबर आना शुरू हो जाता है। इस नंबर को हम नहीं रोक सकते, लेकिन आपकी दूर की नज़र हमेशा के लिए ठीक रहेगी। पास की नज़र का नंबर आपको लगाने की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि यह एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस है। अगर टाइम के साथ आपकी आंख में नज़दीक का नंबर आता भी है, तो वो आपको सिर्फ पढ़ने के लिए लगाना होता है, हमेशा नहीं। सवाल नंबर 7, लेजर सर्जरी के लिए ऑफिस से कितने दिन की छुट्टी ली जाए? देखिए, लेजर सर्जरी के बाद हम आपको कम से कम 2 से 3 दिन तक ऑफिस से छुट्टी लेने की सलाह देंगे। सर्जरी के बाद आपको 2 से 3 दिन तक घर के अंदर साफ एनवायरनमेंट में रहने, काला चश्मा पहनकर रखने और धूप और धूल मिट्टी वाले एनवायरनमेंट से बचने की एडवाइस दी जाती है। 2 से 3 दिन के बाद आप अपनी रूटीन एक्टिविटी फॉलो कर सकते हैं। सवाल नंबर 8, लेजर के कितने दिन बाद हम नहाने और फेस वॉश जैसे पानी वाले काम कर सकते हैं? देखिए, लेजर के बाद अगले दिन से आप नहा सकते हैं, बस आपको आंख में पानी जाने से बचाना होगा।
पहले दिन बेटर है आप गले के नीचे ही नहाएं और अगले दिन से आप अपने फेस पे पानी डाल सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि इसके दौरान आप अपने आईज को बंद रखें और आंख में पानी ना जाने दें। इस चीज का ध्यान आपको 15 दिन तक रखना है कि आंख के अंदर पानी ना जाए। सवाल नंबर 9, लेजर के कितने दिन बाद हम ड्राइविंग या ट्रैवलिंग कर सकते हैं? लेजर वाले दिन हम आपको गाड़ी नहीं चलाने का एडवाइस देते हैं क्योंकि सर्जरी के बाद थोड़ी देर के लिए आपकी नज़र धुंधली या भारीपन महसूस हो सकता है। ऐसी सिचुएशन में गाड़ी चलाना रिस्की हो सकता है, इसलिए लेजर वाले दिन हम आपको अपने साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव को लाने को कहते हैं ताकि आप सेफली अपने घर जा सकें। लेजर सर्जरी के अगले दिन से ही आपकी नज़र काफ़ी साफ हो जाती है तो आप ड्राइविंग और ट्रैवलिंग शुरू कर सकते हैं। तो चलते हैं आज के आखिरी सवाल पर, सवाल नंबर 10। लेजर के बाद आप कब कंप्यूटर, मोबाइल फोन और लैपटॉप यूज कर सकते हैं? देखिए, लेजर वाले दिन आपको लैपटॉप, कंप्यूटर या फोन यूज करने से बचना चाहिए। अगले दिन से आपकी नजर काफी हद तक साफ हो जाती है और आपकी आंख हील हो जाती है, जिसके बाद आप मॉड्यूरेशन में यानी थोड़ी देर के लिए कंप्यूटर, मोबाइल या लैपटॉप यूज कर सकते हैं। सर्जरी के बाद आपको ज्यादा समय तक इन्हें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप 3-4 घंटे तक जरूरी काम कर सकते हैं और हल्के हल्के अपने नॉर्मल रूटीन शुरू कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो नीचे दिए कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं। अगर आप भी लेजर सर्जरी करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए गए लिंक से अभी अपना फ्री चेकअप बुक करें। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।